हेलो हाय नमस्ते दोस्तों, आज मेरे पास है 20 mm हमरडल यहाँ पे जो देख रहे हो, और यह है उसका टूल होल्डर। दोस्तों इसके अंदर डैम्पिंग सेट रहता है। मैक्सिमम मशीन में हम क्या करते हैं, मशीन को उसका ओवरिंग चेंज कर लेते हैं। इसके अंदर जो भी चीज़ें ख़राब हुआ है तो उसको भी चेंज करने के बाद वो हामरिंग नहीं होता है। इसमें एक बहुत बड़ा दिक्कत है, ये डैम्पिंग सेट। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कैसे हम उसका डैम्पिंग सेट को निकाल के देख सकते हैं, क्या है क्या नहीं है, क्या दिक्कत है और कैसे हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टूल होल्डर के दोनों होल में हमको एक शार्क क्लिप दिख रहा है, तो इसको हमको एक छोटा सा टेस्टर की मदद से पिट के अंदर घुसाना है। यह देखिए अंदर चला गया फिटने से। और दूसरी तरफ भी एक होल है, ये हम घुमा लेंगे। फिर यहाँ पर भी ये शार्क क्लिप दिख रहा है, तो इसी को हम थोड़ा पीट लेंगे, ये अंदर चला जाएगा। यहाँ पर जैसे आपने देखे हो नीचे चला गया, ये देखिए ये नीचे आ गया। फिर उसके नीचे भी एक होल है, अगर यहाँ पर भी फंस जा रहा है, नहीं पूरा बाहर नहीं रह रहा है, तो इस होल में भी आप थोड़ा बहुत कुछ चीज़ पतला सा चीज़ लेके आप उसको निकाल सकते हो। अभी ये देखिए यहाँ पे, यहाँ से इधर आ गया है, यहाँ पे निकल गया। अभी हमको क्या करना है, एक नोज प्लास से हमको उसको बाहर निकालना है। जैसे कि मैं यहाँ पे ये देखिए, और ये है नोज प्लास, यहाँ पर हम उसको बाहर निकाल लेंगे। थोड़ा टाइट से निकलना चाहिए, क्योंकि अगर ये शार्क क्लिप टाइट से नहीं जाएगा वो उसको लॉक नहीं कर पाएगा, सही से वो काम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हमको अगर टाइट में जा रहा है तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम उसका डैम्पिंग सेट को खोल लेंगे। यहाँ पे ये देखिए दो तीन वासर निकलेगा और दो तीन ओरिंग निकल जाएगा, और एक स्ट्राइकर फिन, इसको हम बोलते हैं स्ट्राइकर फिन, डैम्पिंग सेट के साथ आता है। तो ज़्यादातर मशीन में ये जो स्ट्राइकर फिन रहता है, ये वाला, ये जो अंदर है ये वाला, और ये ज़्यादातर मशीन में जाम होके यहाँ पे फंस जाता है। उसके वजह से हमारा क्या होता है, हमरिंग नहीं होता है। अगर आप बाहर में आप उसका पिस्टन स्ट्राइकर वगैरह अगर ख़राब है, आपको लगता है ओरिंग वगैरह चेंज कर लोगे, फिर भी हमरिंग नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आप थोड़ा चेक कर लीजिए, ये बहुत बड़ा दिक्कत हो सकता है। अभी हम उसमें नया डैम्पिंग सेट डालेंगे, क्योंकि इसका जो स्ट्राइकर फिन रहता है, मतलब उसके अंदर जो ये छोटा सा चीज़ रहता है वो खा गया है, तो इसलिए ये हमरिंग हो रहा है, लेकिन परफेक्ट ज़्यादा हमरिंग नहीं हो रहा है, मतलब जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हमको ये डैम्पिंग सेट को ही चेंज करना पड़ेगा। ये देखिए ये नया डैम्पिंग सेट है, तो कैसे हम उसको फिटिंग करेंगे वो भी बताऊंगा। अगर ये टूट गया है, ये वाशर वगैरह टूट भी जाता है, मतलब मैक्सिमम मशीन में, कुछ मशीन में टूट भी जाता है। ये देखिए ये खा गया है पुराना, और ये बिल्कुल सही है यहाँ पर, ये देखिए, तो हम उसको चेंज कर लेंगे। ज़्यादातर मशीन में ये वो उसका स्ट्राइकर फिन वो सही है, लेकिन उसका डैम्पिंग सेट में जो वाशर लगता है वो ख़राब हो जाता है, तो इसलिए भी हमरिंग में दिक्कत होता है। तो चलिए, और ज़्यादातर मशीन में बहुत पिस्टन टूट जाता है, तो इसके वजह से आपका मैक्सिमम मशीन में पिस्टन, अगर कंटिन्यू आप दो तीन पिस्टन डाल लिया फिर भी वो पिस्टन टूट रहा है, तो इसके वजह से ये हो रहा है। आप 100% मैं आपको बता रहा हूँ, उसका डैम्पिंग सेट निकाल लीजिए। निकालने के बाद ये डैम्पिंग सेट टूट जाएगा, टूट के अंदर है, तो इसलिए ही आपका पिस्टन टूट गया है। तो यहाँ पे डैम्पिंग सेट में एक मोटा सा ओरिंग लगता है, उसको यहाँ पे देखिए ये शार्क क्लिप यहाँ पे लगता है। सबसे पहले हम नीचे वाला वाशर में थोड़ा ग्रीस लगाएंगे, और फिर उसके अंदर देंगे एक ओरिंग, फिर ऊपर में ये देखिए, और ये यहाँ पे दो ओरिंग लगेगा, और इस ऐसे हमको खुजाना है, बस ये हो गया काम। चारों तरफ हम थोड़ा ग्रीस लगा लेंगे, परफेक्टली फंक्शन करना चाहिए। और फिर ये स्ट्राइकर फिन, ये देखिए ये पुराना वाला है, ये खा गया है, और इस ये अंदर भी खा गया है, और ये देखिए कितना बड़ा है। तो यहाँ पे हम उसको लगा लेंगे, ऐसे लग जाएगा, देखिए थोड़ा ग्रीस लगाएंगे, और ये ऊपर में रहेगा, मतलब चीजल के साइड में, मतलब बीट के साइड में रहेगा ये, जहाँ पे घुस रहा है। थोड़ा ग्रीस लगा लेंगे, ऑयल भी थोड़ा दे देंगे, क्योंकि बहुत अच्छा से फंक्शन करना चाहिए, और यहाँ पे बिल्कुल सही से फंक्शन कर रहा है। तो सबसे पहले हम उस
ये जो टूल होल्डर है उसके भी अंदर थोड़ा ऑयल ऑयल दे देंगे। गियर ऑयल में यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे हमको क्या करेंगे, ऐसे अंदर घुसाना है। ये देखिए ये इस तरफ निकल रहा है, मतलब ये अंदर जाएगा। और ये देखिए ये मोटा साइड ऊपर रहेगा, मतलब टूल होल्डर जहाँ पे हम बिट लगाते हैं इधर नहीं घुसने वाला है, ये इधर ही रहेगा और ये इधर ही रहेगा। ये देखिए, और ये वाला ऐसे हम लगाएंगे। ये देखिए ये चीजल के, मतलब ये बीट के साइड रहेगा, ऊपर में बीट को पीटेगा। तो इसलिए हमको क्या करना है, ऐसे हम अंदर को घुसाना है और पूरा नीचे लेके उल्टा हमको नीचे रख देना है। ऐसे रखने के बाद हमको, हमके पास है सरक्लिप जो अंदर में लगता है लॉक, तो थोड़ा क्लीन कर लेंगे। फिर एक ये देखिए ये अंदर तक जाएगा, ये दोनों होल में ही रहेगा। तो इसलिए ये देखिए ये होल इसका साइड में हम लगाएंगे, ऐसे हम अंदर घुसा लेंगे। ऐसे ये हाथ में नहीं जाने वाला है, अगर आप प्रेस करके हाथ में लगा रहे हो कोई दिक्कत नहीं ना। आपको सबसे आसान उपाय, आपको एक मोटा सा पेचकस लगाना है, एक बड़ा है तो बहुत अच्छा है, मेरे पास छोटा है कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी चला जाएगा। ये देखिए ये चला गया अंदर। फिर हमको थोड़ा लॉक करना है, उसके घाटी में बैठना चाहिए। अगर नहीं बैठ रहा है, आपको लग रहा है अगर बैठ चुका है लेकिन आपको थोड़ा बहुत डाउट है, तो आप एक छोटा सा टेस्टर ले लीजिए, पेचकस ले लीजिए और थोड़ा पीट लीजिए सरक्लिप को, जहाँ पे सरक्लिप लगता है वहाँ पे आपको सरक्लिप ऊपर में थोड़ा पीट लीजिए, आसानी से अंदर चला जाएगा, डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये सही से लॉक होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर आना चाहिए, दोनों दिखना चाहिए, ये सबसे नीचे दो होल है वहाँ पर दिखना चाहिए। तो ये क्लियर हो गया। अभी हम गियर लगाएंगे, गियर का ऊंचा तरफ नीचे रहेंगे रहेगा। फिर उसके बाद हम उसका पिस्टन में ओरिंग वगैरह चेंज कर चुके हैं, अभी उसमें ग्रीस भी दिया गया है, वो स्किप किया हूँ मैं। और फिर उसमें फुल बेरिंग जो मैटिक बेरिंग बोलते हैं उसको लगाएंगे, फिर उसका शाफ्ट लगाएंगे, फिर उसका टूल होल्डर, और यहाँ पर हम ग्रीस लगाएंगे चारों तरफ। दोस्तों कोई भी स्पेयर पार्ट की ज़रूरत है तो नीचे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और दोस्तों कोई भी दिक्कत है, आप 20 mm 26 mm सब कुछ आपको एंडिंग में आपको एक वीडियो मिलेगा, उसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा। बहुत सारा वीडियो मैं ऑलरेडी 26 और 20 mm के ऊपर बना चुका हूँ और 5 kg के ऊपर भी बना चुका हूँ। तो ये वीडियो में इतना ही, चैनल में नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए पावर टूल रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।